फॉर्म, टीचर असेसमेंट फॉर्म, शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। ये फॉर्म प्रत्येक शिक्षक के साल में दो बार भरे जाते हैं, पहला जनवरी से जून तक और दूसरा जुलाई से दिसंबर तक। इस फॉर्म को कैसे भरना है, टैप फॉर्म अप्रूव्ड कैसे होगा, इसकी आईडी जनरेट कैसे होगी, सब्जेक्ट मैपिंग कैसे होगी, ये सभी जवाब आपको वीडियो में शुरू से अंत तक देखने पर मिल जाएंगे। तो जानते हैं सबसे पहले कि हमें टैप फॉर्म भरने के लिए करना क्या है। इसके लिए सबसे पहले हमें स्टाफ कॉर्नर पर आईडी तैयार करनी है। स्टाफ कॉर्नर के लिए हमें सबसे पहले गूगल ब्राउज़र में लॉगिन करें। गूगल ब्राउज़र में आपको लिखना है स्टाफ कॉर्नर। स्टाफ कॉर्नर लिखेंगे जैसे ही आप, तो पहला आइकन आएगा स्टाफ लॉगिन का, उसे क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद अगर आपने पहले से आईडी बना रखी है तो आप उस आईडी को लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपकी आईडी नहीं है तो निम्न बिंदुओं को फॉलो करें। जिन्होंने अभी तक अपने स्टाफ कॉर्नर की आईडी नहीं बनाई है, वो सबसे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर स्टाफ लॉगिन, जो इस चित्र के नीचे नीचे लिखा है, पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको शो होगा, जिसमें लिखा है स्टाफ एम्प्लॉय आईडी। इसमें अपनी 16 अंकों की आईडी जो गवर्नमेंट द्वारा मिली हुई है, आरजे, उसके बाद ज़िले का कोड और 12 अंक, वो डालें। उसके बाद अपना नाम डालें और तीसरा है स्टाफ डेट ऑफ बर्थ, तो अपनी जन्मतिथि डालें और मोबाइल नंबर जो 10 नंबर फॉर्म में और आपके ज्वाइनिंग टाइम दिया गया था वो लगाएं, और नीचे जो कैप्चा दिया हुआ है इसे भरने के बाद सबमिट कर दें। अब आपके पास आपके नंबर पर एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को डालने के बाद आपके नंबर पर आपकी आईडी और पासवर्ड दोनों आ जाएगा, जिसे लेकर आपको स्टाफ कॉर्नर की आईडी पर लॉगिन करना है। आपने जो भी आईडी बनाई है, जिसे लॉगिन करने के बाद आपको इस प्रकार का एक इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें सबसे पहले लिखा होगा होम और दूसरा स्टाफ कॉर्नर। जैसे ही स्टाफ कॉर्नर पर आप ओके करेंगे तो कुछ मेन्यू आपके सामने आ जाएंगे, जिसमें एंट्री लिखा है टैप। टैप को जैसे ही क्लिक करोगे आपको दिखाई देगा शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र 2019-20। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नई स्क्रीन ओपन हो जाएगी, जिसमें ऊपर लिखा है एसआई नंबर। जैसे कि नई जॉइनिंग है उनका एसआई नंबर नहीं है तो वो यहाँ शून्य भर दें, और जिसका एसआई नंबर है वो यहाँ अपना एसआई नंबर एडिट करें। और इसके पश्चात आपको नीचे सत्यापित करना है, अगर कोई व्यक्ति, कोई टीचर एचएम की भूमिका निभा रहा है और एचएम पद पर कार्यरत है, तो वो नीचे जो लिखा है क्या संस्था प्रधान का कार्य संपादित कर रहा है, अगर कर रहा है तो हाँ, अन्यथा नहीं लिख कर इसको स्थापित कर दें। स्थापित करने के बाद इस फॉर्म के मेन्यू खुल जाएंगे। ये फॉर्म चार भागों में है, 1, 2 और 3/4 जो दे रखा है। अब हम इसे पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे। सबसे पहले 1.1 यहाँ से लेकर ये जितना भी फॉर्म है हम इसे क्लियर करेंगे, ध्यान से देखें। 1.1 में वर्तमान में पढ़ाई जाने वाली कक्षाएं और विषय आपके यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। अगर शो नहीं हो रहे हैं तो आपको इसकी मैपिंग करनी पड़ेगी, जिसकी प्रक्रिया आपको एंड में बताती जाएगी। 1.2 में आपको 6 माह में विद्यालय में शिक्षक की औसत भौतिक उपस्थिति, यानी आपने प्रेजेंटेशन कितनी दी है, आप कितने दिन यहाँ स्कूल आए हो, इसमें तीन ऑप्शन आते हैं, 60% से कम, 60 से 80 तक या 81 से अधिक, जो भी आपने अटेंडेंस दी है उसके हिसाब से इसको भर लें। इसके जस्ट बाद लिखा है अन्य विभाग संस्था में प्रतिनियुक्ति, अगर आपकी कहीं और नियुक्ति हुई है इसको यस कर दें और अन्यथा नहीं कर दें। अगर आप यहाँ यस करते हैं तो नीचे दिए गए मेन्यू हैं किस विभाग में हुई है, कितने दिन हुई है, इसकी डिटेल आपको देनी है। 1.3 में आपको शोम को रेंटिंग देनी है 1 से लेकर 5 तक। अब देखो इसमें दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, शिक्षक द्वारा स्व मूल्यांकन पार्ट 3 और संस्था प्रधान द्वारा 4। तो इसमें हमें जो पार्ट 3 है उसमें ही अंक भरने हैं। जैसे पहला दे रखा है विद्यालय में स्वर अनुशासन, नियमितता और सदाचार। आपको लगता है कि आपके द्वारा अनुशासन सबसे अच्छा है, नियमितता रेगुलर है, सदाचार भी अच्छा निभा रहे हो, तो अपनी योग्यता के अनुसार रैंकिंग दे दे, जैसे 4, 3, 5, 2 कितना ऐसा निभा रहे हो उसके हिसाब से आपको इसमें फिलअप करना है। 1.3 में कुल 15 बिंदु हैं, जिन्हें आप पढ़कर अपने विवेक के अनुसार खुद को रेटिंग दे दें। 15 बिंदु के बाद 1.4 शुरू हो जाएगा, जो इस प्रकार है। 1.4 और 1.5 में आपको कुछ भी नहीं करना है। 1.1, 1.2 और 1.3 भरने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। 1.6 में आपको शिक्षण कार्य में जो बाधाएं महसूस हो रही है उसको रैंकिंग देनी है। जिस चीज़ में सबसे ज़्यादा बाधा है उसको 1, और जिसमें थोड़ी कम बाधा है उसको 2, और थोड़ी सी कम और है उसको 3, यानी 1, 2, 3 भागों में बांटा है।
नंबर एक है बच्चों के अनियमितता, बच्चों के अनियमितता के कारण आप बाधित हैं तो एक भर दें, और अभिभावकों का सहयोग नहीं मिल रहा तो इसमें आप एक या दो अपनी इच्छा से भर सकते हैं। इस प्रकार ये सारे मेन्यू आप प्रत्येक को आराम से रीड करके कठिनाइयों के अनुसार भर दें। 1.7 शिक्षक की ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण से संबंधित है। जिस चीज़ की ट्रेनिंग के लिए आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता महसूस है उसके लिए एक भरें, उससे कम के लिए दो, और से उससे भी कम के लिए तीन भरें। इसे आप पढ़ लें और अपनी जरूरत के अनुसार जिस प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसको उस अनुसार रैंकिंग दे दें। सबसे ज़्यादा रैंकिंग के लिए एक भरें और इन बिंदुओं को पढ़कर टॉपिक क्लियर करें। 1.8 भाग जो है शिक्षकों द्वारा स्वयं के कार्य में जो योगदान विद्यालय में आपका दिया जा रहा है उसके बारे में आपको नोट करना है। अगर विद्यालय के भौतिक विकास में योगदान दिया है तो इसे टिक करें, और सहशैक्षिक गतिविधियों का संचालन में योगदान है तो इसे टिक करें। क्रियात्मक अनुसंधान, पुरस्कार, लेखन कार्य, अन्य योगदान, जो भी योगदान आप विद्यालय में दे रहे हैं उस पर क्लिक करें और इसे सेव एंड नेक्स्ट कर दें। और इसी के साथ हमारा भाग वन 1.1 से लेकर 1.8 तक पूरा हो जाता है। अब इसके बाद बारी आती है भाग टू की। 2.1 में आपने जो प्रशिक्षण या कार्यशालाओं में भाग लिया है उसका विवरण दिया गया है। इसके लिए 1 से लेकर 8 तक कॉलम दिए गए हैं, क्रमांक ये अपने आप आता जाएगा। नंबर दो, प्रशिक्षण कार्यशाला का नाम। अगर आपने कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है, कार्यशाला में भाग नहीं लिया है, तो इसको जैसे ही क्लिक करेंगे इसमें ऑप्शन आएगा कोई ट्रेनिंग नहीं, इसे भर दें। और आपने अगर कोई ट्रेनिंग ली है तो इसको आप कौन सी ट्रेनिंग है इसमें क्लिक करके अपना कॉलम भरें। नंबर तीन में कितने तारीख से ये आपकी कार्यशाला या प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ था उसको लिखना है। 4 में प्रशिक्षण की अवधि कितने दिन थी, 1 दिन 2 दिन 4 दिन या 10 दिन, वो लिखना है। नंबर 5 और 7 के लिए अलग से निर्देश दिए गए हैं जो ऊपर लिखा है। कॉलम 5 के लिए अगर आपने वहाँ एक टीचर की भूमिका निभाई है तो 1 भरें, प्रधानाध्यापक रहे हैं तो 2, और प्रशिक्षक रहे हैं तो 3, और सामग्री निर्माणकर्ता तो 4, इसको आपको भरना है। ठीक ऐसे ही 7 नंबर में प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजनकर्ता कौन था, यानी कि आपको वहाँ पर ट्रेनिंग किसके द्वारा दी गई थी। अगर डाइट के द्वारा दी गई है तो 1 भरें, असस्य के द्वारा दी गई है तो 2 भरें, SIERT के द्वारा दी गई है तो 3 भरें, और गैर सरकारी संगठन के द्वारा है या अन्य किसी और के द्वारा है तो 4 भरें। इस प्रकार अपनी प्रविष्टियां पूर्ण कर लें। 2.1 भरने के बाद 2.2 में आपसे पूछा गया है कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है तो इसमें लिखा है कि क्या आपने राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद स्तर पर कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो इसका विवरण दें। प्राप्त किया है तो हाँ, अन्यथा नहीं लिखें। अब स्टार्ट होता है पॉइंट भाग 3.1 जिसमें लिखा है कृपया पाठ्यपुस्तक प्रशिक्षण एवं विभागीय प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में अपने कार्य निष्पादन हेतु नीचे दिए गए मापदंड के अनुसार अपनी राय रेटिंग 1 से 5 तक दें। औसत से कम के लिए आप रेटिंग 1 दें, औसत के लिए 2, अच्छे के लिए 3, और बहुत अच्छे के लिए 4, और सबसे अच्छे यानी कि उत्कृष्ट के लिए आप रेटिंग 5 दें। इस प्रकार आपको रेटिंग देनी है। अब ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है और इसको सेव कर दें। जैसे ही सेव करेंगे हो सकता है आपको 10 नंबर फॉर्म यानी प्रपत्र 10 के लिए कोई दिशा निर्देश आए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो आपका फॉर्म ये कंप्लीट हो गया है और ये फॉर्म अब आपकी जो स्कूल लॉगिन आईडी है उस पर चला गया है और वहाँ से ये अप्रूव्ड होगा। इसके लिए आपको स्कूल लॉगिन आईडी खोलनी है। स्कूल लॉगिन आईडी खोलेंगे तो मिस सेलिनियस जो लास्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे ऑप्शन है टैप अप्रूव्ड। जैसे ही यहाँ पे जितने भी फॉर्म आपके स्कूल के टीचर के द्वारा भरे गए हैं वो यहाँ शो होने लग जाएंगे और यहाँ से आप अप्रूव्ड करेंगे तो ये PO की आईडी पे चले जाएंगे और सेम प्रक्रिया वहाँ रहेगी अप्रूव्ड की। इस प्रकार आपका ये फॉर्म कम्प्लीट हो जाएगा। तो हम बात कर रहे थे कि अगर कुछ स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही है टीचर सब्जेक्ट मैपिंग की, वो सब्जेक्ट मैपिंग कैसे होगी, आपको शाला लॉगिन आईडी खोलनी है और रिजल्ट पर ओके करना है। रिजल्ट पर जैसे ही ओके करेंगे रिजल्ट एंट्रीज का कॉलम आएगा और रिजल्ट एंट्रीज पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको मेन्यू दिखाई देगा सब्जेक्ट वाइज मैपिंग, तो इस पर ओके करेंगे। इस पर ओके करने के बाद आपके पास मेन्यू आ जाएंगे कौन टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा है। तो आपको यहाँ टीचर 1 और टीचर 2 दो टाइप का मेन्यू दिखाई देगा तो आपको टीचर 1 ही अप्लाई करना है। यानी कि जैसे अंग्रेजी है तो अंग्रेजी आपको कौन पढ़ा रहा है, जैसे मान लीजिए अंग्रेजी आपको विनोद कुमार पढ़ा रहे हैं तो ये टीचर 1 हुए।
टीचर वन इनकी अनुपस्थिति में अगर कोई और पढ़ा रहा है तब आप टीचर टू में भरें, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। टीचर वन की एंट्रीज करते ही आपकी सब्जेक्ट वाइज मैपिंग हो जाएगी और आपको टैब फॉर्म में जो बाधा आ रही थी वो नहीं आएगी। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। अब आप इसकी हार्ड कॉपी है अपने HM को सौंपें ताकि ये PO साहब तक चली जाए। ये आपका कंप्लीट फॉर्म है। इस वीडियो को आगे शेयर कर दें, सभी टीचर को फॉर्म भरने में आसानी होगी। थैंक यू।